दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। आईपीएल 2021 से पहले सभी टीमों ने अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट निकाल दी है। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने लगभग हर टीमों के फैंस को चौंकाया है। ऐसे में इसमें राजस्थान रॉयल्स ने एक बड़ा फैसला लेकर सभी को चौंका दिया, जहां फ्रेंचाइजी ने अपने स्टार कप्तान स्टीव स्मिथ को न केवल रिलीज किया बल्कि युवा भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन को कप्तान बना डाला। दरअसल पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने खुलासा किया है कि संजू सैमसन पर एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की नजर थी और ये दोनों ही टीमें सैमसन को ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के इस फैसले ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। आकाश चोपड़ा के मुताबिक सीएसके और आरसीबी की नजर सैमसन को लुभाने की थी। ये टीमें राजस्थान रॉयल्स से सैमसन को ट्रेड करना चाहती थी, हालांकि राजस्थान रॉयल्स के मालिकों ने ये होने नहीं दिया। साफ है यूएई में हुए आईपीएल 13 में संजू सैमसन ने जमकर रन बनाए थे। संजू ने आईपीएल 13 के 14 मैचों में 28.84 के औसत से 375 रन बनाए थे, जिसमें उनके नाम 3 अर्धशतक थे और उनका बेस्ट स्कोर 85 रन का था। संजू जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को हर टीम लेना चाहती है और इस लिस्ट में चेन्नई और बेंगलुरु का नाम काफी ऊपर था। ऐसे में संजू सैमसन को राजस्थान ने अपने साथ रखना बेहतर समझा और उन्हें टीम का कप्तान बना दिया।